हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा लच्छा वाला नाश्ता, जो कि टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बनता है, ब्रेड से ही बना हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 4 ब्रेड ले लिया है, और आप चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से ब्रेड लीजिए। तो अब इसे हमें ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो एक मिक्सिंग जार में इसको तोड़ के हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और आपके पास पहले से अगर ब्रेड क्रम्स रखा हुआ तो आप उसका भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे ऐसे ब्रेड को ग्राइंड करिए आराम से। और ये देखिए झटपट से तैयार हो जाता है ये नाश्ता। तो यहाँ पर हमने जो है मिक्सिंग बाउल ले लिया है, मिक्सिंग बाउल में हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया है उसको डाल दिया। 1 कप गेहूँ का आटा लिया है यहाँ पर, और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन हमने लिया है, हाथों से क्रश करके इसको डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये नाश्ता सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके घर में फ्रिज में ब्रेड सूखी हुई रखी है 2-4 दिन की, और आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ टेस्टी या चटपटा खाना है, तो आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इवनिंग स्नैक के रूप में, और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, आप लंच में दे सकते हैं। और ये दही चटनी किसी भी से खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए, और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अब यहाँ पे हम आटा गूंद लेते हैं, आटा लगा लेते हैं, जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही हमको लगाना है। देखिए आटा यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं। देखिए आटा यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए, आटा गूंदने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसे। तो जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे, 10 मिनट के लिए इसे साइड करते हैं। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बाउल में हमने यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती डाल दी है कट करके, और यहाँ पे कसूरी मेथी ली है 1 टेबल, इसको ज़्यादा नहीं लेना नहीं तो एक कर्श आएगा। और यहाँ पे हमने 2-4 लहसुन की कलियाँ बारीक बिल्कुल चॉप करके लिया है, इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए चाहे तो नहीं। और हरी मिर्च ले लिया है 2-3, और यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ले लिया है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने तिल ले लिया वाइट वाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, नमक कम ही लिया है क्योंकि ये मिर्च भरवे वाला जो मिर्चा होता है उसका अचार का मसाला हमने लिया है, तो इसी में पूरा फ्लेवर आ जाता है धनिया मिर्चा सब का। तो हमने ज़्यादा कुछ इसमें मसाला नहीं ऐड किया है। और यहाँ पर हमने 2 टी स्पून यहाँ पर देसी घी ले लिया है, आप चाहे तो मेल्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बटर ले लीजिए, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है आप वही ले सकते हैं। और यहाँ पे हम वो भूल गए थे, तो यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे नाश्ते का। तो देखिए यहाँ पे आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम छोटा छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे लोई बना के, जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल रोटी की तरह, हम यहाँ पर बेल लेंगे। आपको एक बना के दिखाते हैं हम, और ये ब्रेड के जैसे भी क्रिस्पी होगा, और अंदर जो इसके घी पड़ा है उससे भी क्रिस्पी होगी, और जो आटा है मतलब बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। आप भी ट्राई करिएगा, ज़रूर से आपको पसंद आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला हमें निकाल के इसका 1 स्पून, और जो हमने तैयार करके रखा है इसको अच्छे से हाथों से इसको लगाएँगे, चारों तरफ फैला के अच्छे से इसको लगाएँगे। ये देखिए ऐसे लगाते जाएंगे तो इसमें हरी मिर्च और जो सारा फ्लेवर है तो आ जाएगा अच्छे से, ऐसे फैला के फिर हमें इसका पतला पतला सा, हमें जैसे रोल बनाते हैं बिल्कुल लच्छे पराठे का, उस तरह हमें इसका रोल फोल्ड कर लेना है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है कि अच्छे से मसाला और सारा कुछ इक्वल हो जाए। और अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, तो जब भी आपके घर कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो आप ये स्नैक शाम के टाइम दे सकते हैं। देखिए बीच से एक कट लगाएंगे फ्रेंड इसमें, अच्छे से इसका मतलब बराबर से कट कर देंगे। अब जो कट किया है वो दोनों साइड को ऊपर करेंगे क्योंकि इसमें लच्छे दिखने लग चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको, और इसको हम ज़्यादा प्रेस करके नहीं बनाएंगे, बहुत पतला थोड़ा सा हम मोटे ही इसका रखेंगे।
तो ऐसे प्रेस करते हुए दबा देंगे। फिर देखिए इसको एक रोल टाइप में साइड से मोड़ते हुए हम लेके आएंगे इसे, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए। सारी लेयर्स ऊपर दिखनी चाहिए और इसको नीचे से टक कर देंगे, नीचे हम इसको फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। आप जितना मोटा या पतला आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा मोटा ही मोटा बनाया था, पतला नहीं किया था। तो देखिए एक बना के रखा, सारा रेडी करके आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा, सारा मसाला भी दिख रहा है और सारा धनिया और सारा कुछ जो भी हमने इसमें ऐड किया वो दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने पैन ले लिया है, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम करेंगे फ्राई। और आप चाहें तो बिल्कुल कम ऑयल में या बटर में आप इसको सेक भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फ्राई किया है तो ये और भी टेस्टी लग रहा था, क्रिस्पी तो बहुत ही था। तो आप खुद देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था, गोल्डन कलर का। ये देखिए एक एक लेयर खुल के आई है, ये सबको बहुत ही पसंद आई थी। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड आप चाहें तो दही या सॉस से या चटनी के साथ दे सकते हैं, वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मसाले के साथ बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेवर है, तो आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।